So, hi Tubbies, this is Utkarsh and आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे लैपटॉप्स जिनका बजट है भाई 35,000 रुपए, वो इन वाले लैपटॉप्स को परचेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं उन लोगों की हेल्प भी करूँगा जो लोगों का भाई बजट तो 30,000 होता है बट कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है एक्सटेंड करने की, तो 32-33,000 तक में आपको अच्छे लैपटॉप्स देखने मिल जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लैपटॉप्स लेकर आया हूँ जिनको रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगा है, तो उसी बात पर यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। स्टार्ट करते हैं एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मजा आएगा, देखते रहिए। हमारी लिस्ट का आज का पहला लैपटॉप है डेल वोस्ट्रो 3401। क्योंकि यार जब आप अपना 30-35,000 का बजट लेकर चल रहे हो तो आप कोशिश करोगे कि एक अच्छा रेप्यूटेटेड ब्रांड देखने मिल जाए ताकि आपका वो लैपटॉप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चल सके। तो इसीलिए मैं डेल का ये वाला लैपटॉप आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इसमें आपको जो है इंटेल का i3 10th generation प्रोसेसर देखने मिल जाता है। अब इस वाले प्रोसेसर की खास बात ये है कि ये जो है कोर i3 प्रोसेसर है, दैट इज़ वाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एपिक होने वाली है। एंड 30-35,000 में अगर आपको कोर i3 मिल रहा है दैट मीन्स एक अच्छी डील है। अगर बात करूं इसके डिस्प्ले की तो इसमें आपको 14 इंचेस का FHD प्लस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। अब FHD प्लस तो समझ आ गया होगा सबको, लेकिन एंटी ग्लेयर अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको बता दूं कि ये जो डिस्प्ले होता है ये आपकी आंखों की रेटिना पे कम इंपैक्ट देता है। इसीलिए आप लॉन्ग टर्म अगर किसी लैपटॉप को परचेस करते हो, किसी लैपटॉप को लॉन्ग टर्म यूज करते हो तो भी आपकी आंखों पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एंड आपको चश्मा नहीं लगेगा। तो इसमें आपको जो है 4GB की अपग्रेडेबल रैम देखने मिल जाएगी, दैट मीन्स आप इसको 8, 10, 12, 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हो, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हार्ड डिस्क ड्राइव की तो इसमें आपको 1 TB की एक बहुत बड़ी मैसिव हार्ड डिस्क ड्राइव देखने मिल जाती है, जो कि अगेन एक बहुत कमाल की बात हो जाती है किसी भी 30-35,000 के लैपटॉप के लिए। इसमें आपको विंडोज 10 का सपोर्ट तो देखने मिलेगा ही, साथ साथ में इसमें आपको MS Office 365 प्री इंस्टॉल देखने मिलने वाले, ये दोनों प्रोडक्ट्स वो भी कम्प्लीटली फ्री में। तो इसी बजट में आपका जो है MS Office और वो भी आ रहा है विंडोज, तो ये भी काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। अगर बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की तो इसमें आपको 6 से लेकर 6.5 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने मिलने वाला है, जो कि काफ़ी कमाल की बात हो जाती है एक 30-35,000 के लैपटॉप के लिए। और अगर मैं बात करूँ एक फाइनल कंक्लूशन इसके प्राइस की तो ये जो है आपको 34,859 रुपीज़ में पड़ने वाला है। तो यार बहुत कमाल की डील है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म यूजेज वाला लैपटॉप लेना चाहते हो तो इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। अगला लैपटॉप भी एक रेप्यूटेटेड ब्रांड का है, तो यार इतना पैसा डालोगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है HP का 15। और HP 15 की सबसे खास बात यह है कि एक काफ़ी थिन एंड लाइट लैपटॉप है, जिससे कि आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगी कि जब भी आप इसको पोर्टेबल यूज़ करोगे तो आपको भाई बेटर ऑप्शंस देखने मिलने वाले। काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी थिन है, काफ़ी पतला लैपटॉप है। अगर बात करूँ बेसिक इसके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं, 15.6 इंचेस का आपको एक FHD प्लस स्क्रीन देखने मिल जाता है। तो यार FHD प्लस है वो तो समझ आता है, बट 15.6 इंचेस का मतलब काफ़ी बड़ा लैपटॉप होने वाला है। अगर बात करूँ इसके प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस की तो इसमें आपको AMD का Ryzen 3 3250 का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड Ryzen 3 जैसा मैंने आपको बताया एक i5 जितनी परफॉर्मेंस दे देता है, तो आप समझ जाओ कि आपको 30-35,000 में काफ़ी अच्छी एडिटिंग मशीन, काफ़ी अच्छी गेमिंग मशीन देखने मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके स्टोरेज ऑप्शंस की, तो आप बिल्कुल शौक होने वाले हो इसलिए भाई कुर्सी पर बैठ जाओ। इसमें आपको 8GB की रैम देखने मिल जाती है। अभी तक हम जितने भी लैपटॉप्स की बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में एंड इस वाले वीडियो में, वो सारे 4GB रैम ऑप्शंस के साथ अपग्रेड देते हैं, बट ये लैपटॉप की रैम ऑलरेडी अपग्रेडेड 8GB है, तो काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। वहीं पर आपको 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव देखने मिल जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी है। आपको 1760 ग्राम का जो है वजन देखने मिल रहा है, दैट मीन्स काफ़ी लाइट वेट है यार। भाई ये लैपटॉप एक इतना है कि अगर आप दो भी एक साथ कैरी कर लो ना तो भी आपको एक लैपटॉप जितना वजन लगेगा, तो काफ़ी कमाल का है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 प्लस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको कहीं से परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बात करूँ इसकी बैटरी लाइफ की तो कंपनी जो है भाई मैसिव तरीके से बोलती है, दावा करती है कि इसमें आपको 12 घंटे का बैटरी बैकअप देखने मिलने वाला है,
ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। इसमें आपको जो है 8 से 9 घंटे का बैटरी बैकअप देखने मिलेगा, एंड अगर इतना भी मिल गया तो भी काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। फाइनली बात करते हैं एक और बहुत बढ़िया चीज़ की जो मैं मिस नहीं करना चाहता। इसमें आपको AMD के रेडियन वेगा 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स चिपसेट देखने मिल जाएगा, जिससे कि एक्चुअली आपकी जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। कंटेंट वॉचिंग के टाइम आप बहुत ज़्यादा एपिक तरीके से इंटरफेस को यूज़ कर पाओगे। एंड साथ साथ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अगर आप थोड़ी सी भी गेमिंग या एडिटिंग करते हो तो उस टाइम पे भी आपको ये हेल्प कर जाएगा। इसका जो प्राइस है वो पड़ता है 35,200 रुपीज़। तो 200 रुपये ज़्यादा ओवर बजट है, बट यार परचेस कर सकते हो, 200 रुपये तो लगा ही सकते हो एक लैपटॉप पे। काफ़ी कमाल का लैपटॉप है, काफ़ी लाइट एंड थिन वेट है। अगला लैपटॉप भी HP की ही तरफ से आता है, क्योंकि अभी हमने बात करी HP 14 की। सिमिलर उसी सीरीज़ में से एक और लैपटॉप मुझे देखने मिला है, जो कि है HP 14 अल्ट्रा थिन एंड लाइट वेट। अब इसका नंबर वगैरह तो ठीक ही ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख लेना, आपको सारे लैपटॉप्स की लिंक मिल जाएगी। ये वाला लैपटॉप पिछले वाले लैपटॉप के जितना ही वजनी है, यानी 1470 ग्राम्स का आपको इसमें वजन देखने मिलता है, यानी काफ़ी लाइट एंड थिन वेट है। और अगर बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसमें आपको i3 10th जनरेशन प्रोसेसर देखने मिल जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हो AMD के साथ में, तो आप वो वाले लैपटॉप को परचेस कर सकते हो, या अगर आप जानना चाहते हो भाई इंटेल के साथ में, तो आप इस वाले लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। 10th जनरेशन इंटेल कोर प्रोसेसर i3, तो काफी कमाल की बात हो जाती है। इसमें भी आपको 8GB की रैम देखने मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू दैट लैपटॉप, ये लैपटॉप में आपको हार्ड डिस्क नहीं, इसमें आपको SSD देखने मिल जाएगी, वो भी 256GB की। वो काफ़ी कमाल की बात हो जाती है। तो 256GB की SSD है, दैट मीन्स आपका बूट फास्ट होगा, आपका गेमिंग वगैरह अच्छा होगा। और अगर मैं बात करूँ इसके विंडोज 10 प्लस MS ऑफिस के सपोर्ट की, तो वो भी आपको इसमें जेन्युइन प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे 365 के साथ में। बहुत कमाल का लैपटॉप है। अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले क्वालिटी की, तो ये जो है 14 इंचेस का है, और इसमें आपको HD प्लस लेकिन एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने मिलती है। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि आपकी आंखों की रेटिना पे कम इम्पैक्ट करेगी, एंड ये वाली डिस्प्ले आपके लिए बेटर होती है। और इसमें आपको सारे ही पोर्ट्स देखने मिल जाएंगे, वेबकैम भी है। 7 घंटे का इसमें आपको बैटरी बैकअप देखने मिलता है, एंड 35,000 रुपये इसका कुल प्राइस है। तो अगर आप जाना चाहते हो भाई इंटेल के साथ में, स्पेशली आपकी चॉइस है इंटेल लेना, तो आप इस लैपटॉप के साथ जा सकते हो। और अगर आपको SSD ही लेना है, तो भी आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप आता है लेनोवो की तरफ से, जो कि है लेनोवो आइडियापैड S145, जिसमें कि आपको 180 डिग्री डिस्प्ले देखने मिल जाती है। भाई कितनी कमाल की बात होगी, मतलब वो लैपटॉप एकदम फ्लैट खुल जाता होगा, तो भाई बहुत कमाल की बात है। साथ साथ में इसका आपको इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर देखने मिल जाता है, वो भी 10th जनरेशन का, तो बहुत कमाल की बात हो जाती है, मतलब परफॉर्मेंस में तो हिट है बॉस। साथ साथ में इसमें आपको 8GB की रैम एंड 256GB की SSD देखने मिल जाएगी, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। सिमिलरली इसमें आपको 15.6 इंचेस का एक FHD प्लस डिस्प्ले देखने मिलने वाला है, जो कि एंटी ग्लेयर नहीं है, लेकिन FHD प्लस है तो समझ जाओ कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस एपिक होने वाला है। साथ साथ में इसका जो प्राइस है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसका जो पूरा वजन है वो है 1850 ग्राम्स, यानी कि 1.8 kg के समथिंग, तो काफ़ी कमाल का है। और इसमें भी आपको विंडोज 10 के साथ में MS ऑफिस 365 जेन्युइन वाला प्री इंस्टॉल देखने मिलने वाला है। 35,000 रुपये एग्जैक्ट इसका भी अमाउंट है, तो भाई समझ जाओ अगर आपको बेसिक लेनोवो की तरफ जाना है, 180 डिग्री की डिस्प्ले भाई कितना फ्लेक्स मारने के काम आएगा, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। काफ़ी कमाल का लैपटॉप ये वाला भी आपके लिए होने वाला है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो आपको सारे लैपटॉप्स जो मैंने बताए वो समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। अब आपकी चॉइस है आपको कौन सा लेना है, सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज हमारे इंस्टाग्राम पर आकर आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो क्या बनाएं। एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप हमें अप्रिशिएट या डिसअप्रिशिएट या जो आपको करना है वो कर सकते हो। सब्सक्राइब करो इस वाले चैनल को, घंटे को दबाना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, वंदे मातरम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई A1 इलेक्ट्रॉनिक्स भोपाल, जहाँ पर आपको लेटेस्ट वैरायटी ऑफ टेक प्रोडक्ट्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन रेंज एंड स्मार्ट गैजेट्स से लेकर TV, फ्रिज, LEDs, वॉशिंग मशीन एंड डीप फ्रीजर्स तक देखने मिल जाते हैं। सो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर से चेक करें।